हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी एक खोज, और हमारे इस छोटे से चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। और आप हमारे सामने ये प्रकृति का अवर्णनीय नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए दोस्तों मेरे को वीडियो डाले, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। लेकिन मैं इधर से गुज़र रहा था तो मैंने सोचा कि आपको ये सोनभद्र का एक छोटा सा गाँव दिखाता चलूँ। दोस्तों, ये आप सामने देख सकते हैं, एक छोटा सा गांव है और इस गांव का नाम है दोस्तों रजखड़। और आप यहां का नज़ारा देखिए दोस्तों, इसलिए मैं यहां पर रुक के ये वीडियो बना रहा हूं। आप यहां का एक बार ये नज़ारा देखिए दोस्तों, आपको सिटी में सारी सुविधाएं मुहैया हो गई होंगी, लेकिन ऐसा है ये प्रकृति का नज़ारा, ये प्राकृतिक वातावरण आपको दूसरी कहीं और जगह पर नहीं मिलेगा। जैसा कि आप हमारे इस वीडियो में दोस्तों देख सकते हैं, आपको मैं एक बार दूसरी साइड से दिखाऊंगा। इधर से मैं गुज़र रहा था तो एक गांव पड़ा था रजखड़, तो वहां पे मैं चाय नाश्ते के लिए रुका था, तो वहां के लोगों से बातें करने लगा। और इधर से गुज़रते हुए मुझे ये ऐसा लगा कि आप लोग को ये जगह दिखानी चाहिए। दोस्तों, ये आप देखिए दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को स्टेबलाइज और क्वालिटी वीडियो मिले। दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन सोनभद्र, एक छोटा हिमाचल प्रदेश आप इसको बोल सकते हैं। दोस्तों, रजखड़ गांव की विशेषता ये है दोस्तों कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर दुधी नगर है दोस्तों, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर सोन पहाड़ी है दोस्तों, जहाँ पे सोना निकला था। और भी यहाँ पे तमाम खाने और तमाम चीज़ें मशहूर हैं यहाँ की। दोस्तों, खेती यहाँ पे भरपूर होती है दोस्तों, आप इस साइड देख सकते हैं, खेती यहाँ पे बहुत भरपूर होती है। और खेती के साथ साथ यहाँ का वातावरण भी आपने देखा, मैंने आपको दिखाने का पूरा प्रयास किया कि यहाँ का कैसा वातावरण है, आप पुनः एक बार अवलोकन करें। दोस्तों, ये गाँव से जुड़ी चीज़ें, मिट्टी से जुड़ी चीज़ें मैं आपको दिखाने का प्रयास पूरा करता रहता हूँ, और आप भी बहुत इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। और आपसे पूरा अनुरोध रहेगा दोस्तों कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और एक कमी है दोस्तों, सिर्फ आप में से बहुत सारे हमारे भाई लोग, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे चैनल पर आते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं वो खुशी थोड़ी सी कम तब हो जाती है जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों दोस्तों, छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ बनाने में आप लोग ही कुछ कर सकते हो, आप लोग का सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। तो आपसे एक बार मेरा पुनः रिक्वेस्ट रहेगा, अनुरोध रहेगा कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और हमारे इस चैनल मिस्ट्री टीवी एक खोज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों दोस्तों, आप इस साइड देख लीजिए, दोस्तों हमारे इस चैनल पे बेसिकली रहस्य और मिस्ट्री से जुड़ी वीडियोस अपलोड होती हैं, लेकिन आपके एक वीडियो पे दिए गए प्यार को मैंने समझा, और मैंने सोचा कि गांव और नेचर से जुड़ी वीडियोस को भी आप देखना चाहते हैं, तो मैं उसे आपके लिए समय समय पर लाता रहता हूं दोस्तों। और कोशिश यही करता हूं दोस्तों कि आपको पसंद आए वीडियो, वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिले, कुछ आपको नॉलेज मिले। आप वो सामने वादियाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये सोनभद्र की, तो आपको टाइमली अपडेट नई नई मिलती रहेंगी दोस्तों, बस आप सपोर्ट अपना बनाए रखें। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, कमेंट में बताइएगा दोस्तों स्टेबलाइज्ड वीडियो है कि वीडियो शेकी है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं लग रहा है, मैं बस ऐसे बना रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं दोस्तों इधर का नज़ारा, ये आकाश बहुत खूबसूरत दोस्तों, बहुत खूबसूरत। कोशिश करूँगा दोस्तों कि इस रास्ते की और आपको सोनभद्र की और सोनभद्र के बाहर की भी जितने गाँव हैं दोस्तों, ख़ास करके जितने आदिवासी क्षेत्र हैं और जितने पिछड़े क्षेत्र हैं लेकिन नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं,
तो वो देखिए सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ट्रैक्टर भी खेत को जोत रहा है। उम्मीद है कि आपने देख पाया होगा। तो यही है दोस्तों कुछ। वीडियो को बताइएगा दोस्तों कैसी लगी आपको, और ऐसे वीडियोस, ऐसी नेचर वाली वीडियोस आप देखना चाहेंगे या नहीं, ये भी आप कमेंट में बताइएगा। और मुझे क्या सुधार की ज़रूरत है, मुझे किस किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए, आप जो टॉपिक सजेस्ट करोगे मैं उस टॉपिक पे ही आपके लिए वीडियोस लाऊंगा। और नेचर वाला चैनल है दोस्तों, प्रकृति से जुड़ा चैनल है। आप इस चैनल को ज़रूर अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आजकल मोबाइल के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये कहीं ना कहीं चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। तो जब तक इसे आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक तो मैं दोस्तों अपने दम पे तो मैं कुछ नहीं हूँ और ना कुछ कर सकता हूँ। और एक छोटी सी चीज़ और दोस्तों, कि मेरा म्यूज़िक में बड़ा ही मन है और मैं कई सारे गाने भी रिकॉर्ड खुद से करता हूँ। तो आप लोग का प्यार बना रहेगा मेरे ऊपर, तो आने वाले समय में हो सके तो मैं अपने कवर सॉन्ग्स और अपने खुद के गाने भी आप लोग के लिए निकालूंगा। भगवान करें ऐसा दिन जल्दी आए। और जो भी कुछ है दोस्तों सोनभद्र में, आपको एक एक चीज़ में दिखाने का प्रयास करूंगा दोस्तों, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी दोस्तों, बस आप सपोर्ट बनाइएगा दोस्तों। एक बार दोबारा आप देख लीजिए दोस्तों, अब हम वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, और हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका कीमती समय बर्बाद हो, इसलिए मैंने आपको ये छोटा सा गांव, देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी भी खपड़े के घर हैं दोस्तों, खपड़ा मुझे लगता है आप लोग समझ रहे होंगे, खपड़े के अभी भी घर हैं और प्रकृति से जुड़े हुए यहाँ के लोग भी हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने चैनल पे ये वीडियो काफ़ी दिन बाद डाल रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए एक बार दोबारा आपसे बोलूँगा कि मुझे माफ़ करिएगा, कुछ मजबूरी आ गई थी दोस्तों, नहीं तो मैं भी आप लोगों के बिना अधूरा सा हूँ। मज़ा नहीं आता है जब तक मैं कुछ आप लोग को कंटेंट दे नहीं देता हूँ, कुछ बना नहीं लेता हूँ, तब तक लगता है यार कुछ बाकी है। आप देखिए दोस्तों, सामाजिक जागरण के लिए भी समय समय पर हमारे द्वारा कार्य किए जाएंगे दोस्तों, और जितना हो सकेगा प्रयास रहेगा कि अपनी इस प्रकृति को, अपने भारत देश को, इस पृथ्वी को बचाने का प्रयास किया जाए, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम किया जाए, और इन सभी चीज़ों को दिखाया जाए। आजकल मोबाइल में गेम खेलने वाले लड़कों को इन सभी चीज़ों के बारे में भी पता चले। ये पेड़ बताइए दोस्तों किस चीज़ का है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है पर्सनली, मैं बस आ रहा हूँ, मुझे बस दिख गया दोस्तों पेड़ की आप पत्ती देख लीजिए और आप बताइएगा। ये कुछ जंगली पौधे हैं जो बेसिकली जंगली ही बोले जाते हैं, लेकिन इनका भी कहीं ना कहीं यूज़ होगा दोस्तों। सामने भी कई सारे यही पेड़ हैं दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ, और आगे अगर मुझे ऐसा कुछ और दिखता है तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना और अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।